तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच में जो सीरीज है 5 मैचों की T20, उसके लिए वेस्टइंडीज ने अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। और वेस्टइंडीज ने पहला मैच शुरू होने से लगभग 9, अगर हम कहें 19 घंटे पहले अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया है। तो वेस्टइंडीज के अगर हम स्क्वाड की बात करें, बोलसपुरन कप्तान पॉवेल, ब्रूक्स, ब्रेक्स, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो सिमरन हेटमायर हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज है राजस्थान रॉयल्स के लिए, बड़ा अच्छा सीजन रहा था, उनकी वापसी हुई है, वनडे सीरीज का वो हिस्सा नहीं थे। जेसन होल्डर टीम में रहने वाले हैं, अकील हुसैन रहने वाले हैं, जोसेफ किंग, मेयर्स, मैकॉय, कीमम पॉल, रोमारियो, ऑडियन, डेवॉन थॉमस और हेडन वॉल्स, तो ये वेस्ट इंडीज के वो नाम है जो उन्होंने T20 सीरीज भारत के खिलाफ 5 मैचों की होने वाले उसके लिए अनाउंस किया। कि हम लगातार आपको बता रहे थे कि वेस्ट इंडीज ने अब तक अपना जो T20 स्क्वाड है वो अनाउंस नहीं किया था, लेकिन आखिरकार जो मैच शुरू होना है पहला मैच, उससे लगभग 19 घंटे पहले या अगर 20 घंटे पहले वेस्ट इंडीज की ये टीम सामने आई है और सिमरन हेटमायर की इस टीम में वापसी हुई है। ODI सीरीज वो नहीं खेले थे, काफ़ी चौंकाने वाली बात रही थी कि क्यों सिमरन हेटमायर को आपने टीम में नहीं चुना, लेकिन अब उनकी वापसी हो चुकी है और ये जो टीम है ये सामने आपको नज़र आ रही है। ये वो खिलाड़ी रहने वाले हैं जो भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाले हैं। हम जानते हैं ODI सीरीज भारत ने 3-0 से अपने नाम जीते और टीम इंडिया ज़रूर चाहेगी कि वेस्ट इंडीज़ को T20 सीरीज़ में भी 5-0 से हराए, क्योंकि आप चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी टीम एकदम पूरे रंग में नज़र आए। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम आ गई है, सीरीज़ अब ऑन है, उम्मीद यही है कि इंडियन टीम इस सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करेगी और सीरीज़ को भी अपने नाम दें।